दोस्तों नमस्कार। आज है 12 अगस्त सन 2024 सोमवार। दोस्तों आपको याद होगा हमने साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून को अग्रिम विश्लेषण करते हुए आपको कुछ खबरें एडवांस में दी थी। यही कहा था कि जुलाई महीने के अंदर समान बरसात का वितरण हो सकता है और भारत के कुछ इलाके ऐसे रह सकते हैं जहाँ पे औसत से कम बरसात होगी। साथ साथ अगस्त का महीना तेज बरसात और औसत से अधिक बरसात होने का प्रबल संभावना बनेगी। दोस्तों देश के विभिन्न हिस्सों से लगातार तेज बरसात होने के समाचार मिल रहे हैं। इस उम्मीद है कि आपको हमारा ये अग्रिम अनुमान पसंद आया होगा। दोस्तों आज के एपिसोड में हम सौंफ यानी फिनल सीड के ऊपर करेंगे चर्चा, साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों अजेस्टो मनी गुरु का साप्ताहिक कमोडिटी अखबार कमोडिटी न्यूज़पेपर, जो कि हिंदी और इंग्लिश में छपने वाला देश का पहला कमोडिटी बाजार है, कमोडिटी न्यूज़पेपर है। इसमें आपको दलहन तिलहन मसाला कपास सोना चांदी स्टील लोहा के बारे में अपडेट देश दुनिया की खबर आप तक पहुंचेगी। साथ साथ आपको व्हाट्सएप पर मंडियों के ताजा भाव भी अपडेट होंगे। इसकी कीमत मात्र 3,000 रुपये वार्षिक रखी गई है। दोस्तों इसमें समय समय पर आपको प्याज लहसुन गेहूं मक्का बाजरा दालें चना उड़द मूंग मसूर कपास सोयाबीन सरसों इन सभी की जानकारियां बारी बारी मिलेगी। मसालों के अंदर जीरा अजवाइन मेथी सौंफ हल्दी इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आपको विभिन्न संस्करणों में मिलेंगे। दोस्तों इसकी कीमत मात्र 3,000 रुपये वार्षिक रखी गई है। तो दोस्तों देश दुनिया से लगातार इसकी खबर आ रही है, इसकी पूछ परख आ रही है। तमिलनाडु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश असम बंगाल जम्मू कश्मीर राजस्थान दिल्ली पंजाब हरियाणा के साथ साथ सिंगापुर इंडोनेशिया मलेशिया श्रीलंका भूटान नेपाल से भी लगातार पूछ परख आ रही है। ऑस्ट्रेलिया एवं US से भी इसके लगातार सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आप भी अपना प्रति बुक कराएं, आज ही संपर्क करें, यानी सौंफ की आवक और भावों की पूरी जानकारी एक एक विशेष शो में। दोस्तों ब्यूरो रिपोर्ट से खबर निकल के आ रही है कि गुजरात राजस्थान में सौंफ के उत्पादन में इस बार शानदार वृद्धि रही थी। गौरतलब है कि गुजरात सौंफ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य माना जाता है। यहाँ पर 71.67% सौंफ की उत्पादन होता है। दूसरा नंबर राजस्थान का आता है जो अभी 24.86% का सौंफ का उत्पादन करता है और तीसरा नंबर मध्य प्रदेश का जो लगभग 2%, उसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटक का नंबर आता है जहाँ पर मामूली सौंफ का उत्पादन होता है। सबसे पहले चूँकि गुजरात देश का लगभग 72% सौंफ का उत्पादन करता है तो गुजरात और राजस्थान पर हम सबसे अधिक नज़र रखेंगे। गौरतलब है कि गुजरात व राजस्थान की मंडियों में इस साल शानदार उत्पादन के वजह से सौंफ के शुरुआती तेजी के बाद कुछ स्थिर भाव बताए जा रहे हैं। किसान कम मूल्य पर अपना माल बेचने को तैयार नहीं है, अतः आवक के अंदर लगातार कमी की संभावना नजर आ रही है। गुजरात के ऊंझा से खबर निकल के आ रही है कि सप्ताह के दौरान लगभग 10,000 बोरी की आवक रही और हल्का माल 7,000 से 8,000 रुपये, मीडियम आम 10,000 से 12,000 रुपये और मीडियम बेस्ट 14,000 से 15,000 रुपये और शानदार क्वालिटी सौंफ के भाव 17,000 से 18,000 रुपये रहे। साथ साथ हलवड लाइन में 1,000 से 1,200 बोरी की आवक पर मोटे सौंफ 5,000 से 6,500, एवरेज 6,800 से 7,700 और मीडियम 10,000 से 12,000 रुपये के भाव रहे। राजस्थान की मंडियों में लगभग 3,000 से 4,000 बोरी की आवक रही और हल्का माल 5,500 से 6,200 रुपये, मीडियम भाव 7,000 से 8,000 रुपये, मीडियम बेस्ट 9,500 से 10,000 रुपये और बढ़िया माल 11,500 से 12,000 रुपये पर भाव पे व्यापार होने के समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों अभी चूँकि चौमासा लगा हुआ है और इस समय खपत कम हो जाती है और आवक भी कम होती है, अतः सौंफ पे ऊपर कोई जल्दबाजी में निर्णय लेना उचित नहीं रहेगा। दोस्तों आपको याद होगा जीरे पर साल 2023 में हमने जो अनुमान दिया था, हल्दी पे जो हमारा अनुमान दिया था, साथ साथ अजवाइन मेथी कलौंजी पर हमारे जो अग्रिम अनुमान थे वो सत्य साबित हुए हैं। इसके अतिरिक्त छोटी इलायची बड़ी इलायची काली मिर्च जैसे महत्वपूर्ण मसालों पर हमारे अपडेट सही साबित हुए हैं। उम्मीद है कि आपने इसका भरपूर लाभ उठाया होगा। दोस्तों याद रखिएगा व्यापार के लिए अग्रिम विश्लेषण सूचना
एवं सही समय पर सही निर्णय लेना व्यापार के लिए अत्यधिक आवश्यक है। जब तेजी आ जाती है तो और सुपर तेजी की बात करते हैं, जब मंदी आ जाती है तो और मंदी की बात करते हैं, तो व्यापारी दोनों जगह परेशान हो जाता है। याद कीजिए, चने के ऊपर हमारा लगभग 4 से 5 महीने पहले अग्रिम अनुमान, काबुली चने पर लगभग 1.5 महीने पहले का अग्रिम अनुमान जो अक्षर सत्य साबित हुआ। जुलाई महीने के अंदर सरसों पे हमारा अग्रिम अनुमान सत्य साबित हुआ। साल 2024 के अंदर फरवरी महीने में अग्रिम अनुमान मार्च के लिए हमारा अक्षर सत्य साबित हुआ था। तिलन दलहन मसाला कपास अनाज पर हमारे अग्रिम अनुमान सही साबित हुए हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।